हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। माफ कीजिएगा, आने में देरी हुई और आने में देरी होने का सबसे बड़ा कारण है, आने में देरी होने की सबसे बड़ा कारण है कि लाइट नहीं है, बहुत देर से नहीं है और बहुत इंतजार किया, बहुत कोशिश भी किया कि पर इन्वर्टर पर यह चलना मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे बिना इसके, ठीक है? कभी तो इसके साथ भी पढ़ लेते हैं, कभी इसके बिना भी पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आई एम 100% श्योर आपको समझ में आएगी। और अगर तब तक भी अगर लाइट नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर शाम में ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं ये कुछ दिनों से देख रहा हूं, सब लोग, सारे टीचर्स को परेशानी हो रही है कि एन मौके पर लाइट ही नहीं रहती है। और ऑनलाइन क्लासेस में अगर ये सब प्रॉब्लम होगा तो बहुत, क्योंकि सिर्फ मोबाइल से तो काम होगा नहीं, बहुत और भी चीजें होती हैं, लाइट होती है। क्लियर? तो अभी तक नहीं आया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक भी बात नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसे कहते हैं कि एक अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट मतलब जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन यानी या कह सकते हैं एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अनपोलराइज लाइट। यानी कि नॉर्मली जो सन, बल्ब, लैम्प, मोमबत्ती, कैंडल, इससे जो लाइट निकलता है वो होता है अनपोलराइज लाइट। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उस अनपोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी खास डायरेक्शन में पास करने देना और बाकी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी खास डायरेक्शन में पास करने देना और बाकी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देना कहलाता है क्या? पोलराइजेशन। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। बात समझ में आई? अभी अभी कल की बात है, न्यूज में बोल रहा था कि जया बच्चन और कंगना रनावत के केस में पूरा बॉलीवुड पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या हो गया? एक पूरा का पूरा कंगना के साथ आ गया तो एक ग्रुप जया बच्चन के साथ हो गया। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। असल में वही है पोलराइजेशन। तो यहां क्या है कि किसी खास डायरेक्शन वाले को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए और किसी खास डायरेक्शन वाले को जाने दीजिए, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो उस वो प्राप्त कैसे करते हैं, वो प्राप्त कैसे करते हैं, वो प्राप्त करते हैं किसी पोलराइजर से गुजार के। किससे गुजार के? किसी पोलराइजर से अगर गुजारा जाए लाइट को तो वो पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजर क्या करता है, ध्यान से सुनते जाइएगा, पोलराइजर क्या करता है? पोलराइजर जैसे कि लाइट जा रहा है ऐसा ऐसा, यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशा में है, ठीक है? और वो क्या किया कि किसी खास डायरेक्शन वाले को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी खास डायरेक्शन वाले को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी को कहते हैं पोलराइज कर देना। तब हम आपको सिखाए थे, ध्यान से सुनिए, हम आपको सिखाए थे कि अगर एक लाइट वेव है और इस तरह से उसके सामने पैसेज लगा हुआ है, इस तरह से दो दो के बीच से, तो ऐसे वाला पास करेगा, ऐसे वाला नहीं पास करेगा, हां या ना, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। कोई दिक्कत? इतना हम लोग समझ गए। और उस साइड जो निकला लाइट उसको कहते हैं पोलराइज लाइट। इसके बाद हम पढ़े एनालाइजर के बारे में। अब यहां से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि हम कल बताए थे। और आज आज जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि बिना एक भी लाइन लिखे हुए, बिना एक भी लाइन लिखे हुए, देखिए बहुत तकलीफ है, लाइट है ही नहीं, क्या कर सकते हैं।
आप इंतजार भी कर रहे हैं, अब सुबह वाला भी क्लास नहीं हो सका है, इलेवेंथ वाला अभी भी क्लास नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या बैठ के, ये भी बात है। तो हमने सोचा कि नई क्लास स्टार्ट किया जाए। और मेरा बात समझिए, अगर तो बिना कॉपी कलम उठाए हुए हम आपको अभी मैलस लॉ प्रूफ कर देंगे। क्या कर देंगे? मैलस लॉ प्रूफ कर देंगे, आपको पूरी तरह से समझा देंगे। और अगर लाइट आ गई तो उसके बाद उसको हम लिखवा देंगे, हाँ या ना। ऐसे भी तो यही होता है कि आप पहले हमसे समझते हैं और फिर लिखते हैं। सो एकदम दिमाग से टेंशन हटा देना है, दिमाग से टेंशन हटा देना। बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं और बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, जो जुड़े हैं उनका धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया और उनको लग रहा है कि नहीं भाई हम सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और 100% आपको समझ में आएगा। गौर से देखिए, ये सोचिए ये आपका कार्डबोर्ड है या ये आपका पोलराइजर है, क्लियर। अब इस पोलराइजर में ऐसे करके पैसेज काटा हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर एक ऐसे करके आएगा लाइट, ठीक है, लाइट आया अनपोलराइज, और अगर ऐसे है पैसेज, इस तरह से पैसेज है, ठीक है, इस तरह से खड़ा, कोई दिक्कत, खड़ा, तो क्या होगा, खड़ा वाला वेव पास कर जाएगा, बाकी सब रुक जाएगा। ये आप जानते हैं, हाँ या ना, ये आप 100% अभी तक में समझ चुके हैं, यानी ये पोलराइज हो गया। अब दूसरा भी लगा दी, इसके बाद दूसरा भी खड़ा, तो तब तो इससे भी पास कर जाएगा और उससे भी पास कर जाएगा, हाँ या ना, ये भी आप जानते हैं। अब इसको ऐसे कर दिए, 90 डिग्री पर मोड़ दिए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो ऐसे वाला पास किया, ठीक है, जब ऐसे था खड़ा तो ये वाला वेव पास किया, और अब क्या किया, पोलराइजर को 90 डिग्री पे मोड़ दिया, पोलराइजर को क्या किया, 90 डिग्री पर मोड़ दिया, और तब वो पास नहीं कर पाया। यही चीज कल हम देखे थे, हाँ या ना, यही चीज हम कल देखे थे कि एक अगर इसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाए तो उस साइड नो लाइट, आप लोगों ने आंसर दिया था, आपको याद आया, हाँ या ना। चलिए अब है सवाल, सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो सवाल है कि आप सोचिए, इधर देखिए, दो ठो पोलराइजर आप ले लिए हैं, कितना पोलराइजर ले लिए हैं, दो ठो। अब दोनों अगर वर्टिकल है, देखिए दोनों वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल है अगर, तब तो लाइट पास कर जाएगा, और एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तब तो लाइट पास नहीं कर पाएगा। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तब तो लाइट पास नहीं कर पाएगा, हां या ना, ये बात समझ रहे हैं। अब है बात कि ना पूरी तरह से ये वर्टिकल हो, इसको धीरे धीरे घुमाने लगेंगे। अब आपको जवाब देना है, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। इसको आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है यहां तक, यहां तक, चलिए, तो इसको धीरे धीरे घुमाने लगेंगे, यानी कि वर्टिकल से, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम था, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, और घुमाने लगेंगे तो उस साइड का जो लाइट होगा वो कैसा होगा, वो लाइट धीरे धीरे घटने लगेगा कि बढ़ने लगेगा, जवाब देना है, घटने लगेगा। इसको जब ये दोनों वर्टिकल था, अब इसको धीरे धीरे घुमाने लगे, इधर से लाइट गया था, इसको धीरे धीरे घुमा के अब हॉरिजॉन्टल करने वाले हैं, तो लाइट का उधर जो इंटेंसिटी निकलेगा वो घटने लगेगा कि बढ़ने लगेगा, आपको जवाब देना है, हम आपका जवाब देखना चाहते हैं, जल्दी। कितने लोग डिक्रीज, वेरी गुड। देखिए इससे आप एकदम साफ हो गया कि बिना कुछ एक भी लाइन लिखे हुए आप समझ सकते हैं, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है और आप समझे। बात क्या है, ऐसे देखिए 90 पे जाते जाते वो तो पूरा रोक ही देगा, तो फाइनली तो जीरो ही हो जाने वाला है, हाँ या ना। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाइएगा, ऐसे 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 देख रहे हैं, इधर देखिए ये ऐसे था, इसको ऐसे 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 घुमा रहे, तो धीरे धीरे उस साइड वाले का क्या होता है, इंटेंसिटी घटता जाता है, क्या होता है, इंटेंसिटी घटता जाता है। इस बात में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, पक्का। और अब वो जो उस साइड का इंटेंसिटी होता है, उस साइड का इंटेंसिटी होता है, वह इंटेंसिटी कहा जाता है,
मैलस साहब ने बोला कि वह कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा के। यानी कि अब थीटा क्या है, है देखिए ये है, इसको थोड़ा सा मुड़ा मोड़े तो एक एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है ऐसे, ठीक, एक को थोड़ा मोड़े तो इन दोनों के बीच जो एंगल हुआ उसी को क्या नाम दिए, थीटा। आप आराम से दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक ये पोलराइजर एक ये पोलराइजर, इसको धीरे धीरे मोड़ना शुरू किए, इसको धीरे धीरे मोड़ना शुरू किए, तो अभी जो दोनों के बीच एंगल है, ये खड़ा है ये थोड़ा मुड़ा है, तो दोनों के बीच का एंगल को क्या माने, थीटा। तो मैलस साहब ने बोला, किसने बोला, मैलस साहब ने बोला कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, उसी के कॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप पूछिएगा कि सर उनको कैसे पता चल गया कॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, कॉस थीटा भी बोल सकते थे, साइन थीटा भी बोल सकते थे, मानिए पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा। चलिए इतना बात समझने में कोई कंफ्यूजन, अब हम इसका प्रूफ कर दें तो आप मान जाइएगा, इसका प्रूफ कर दें तो मान जाइएगा, तो चलिए मान जाइएगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, अब आ जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कूद के आ जाइए, एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए, आप आज तक सीखते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो थीटा के साइड ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और थीटा के अपोजिट साइड ई साइन थीटा। जल्दी बोलिए, थीटा के साइड ई कॉस थीटा और अपोजिट साइड ई साइन थीटा, हां या ना, जल्दी बोलिए, क्लियर। तो अब देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये थीटा घुमा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक उस पैसेज के अलोंग और एक उस पैसेज के परपेंडिकुलर। तो एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा। तो जो पैसेज के अलोंग होगा वो पास करेगा, जो पैसेज के परपेंडिकुलर होगा वो पास नहीं करेगा। अभी तक नहीं आया लाइट, सोचिए, कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। तो जो पास करेगा, जो पास करेगा, जो पैसेज के अलोंग होगा वो होगा ई कॉस थीटा और जो पैसेज के परपेंडिकुलर होगा वो होगा ई साइन थीटा। तो कौन वाला पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पैसेज के अलोंग रहता है, जो पैसेज के अलोंग रहता है, पैसेज मतलब वो जो छिद्र है उसके अलोंग रहता है, वही वाला पास करता है, परपेंडिकुलर वाला तो पास करेगा नहीं। तो पास कौन सा करेगा, ई कॉस थीटा पास करेगा कि ई साइन थीटा, जल्दी जवाब दीजिए, जवाब आपका जानना चाहते हैं, ई कॉस थीटा पास करेगा कि ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा पास करेगा कि ई साइन थीटा, जल्दी, अलोंग वाला, वेरी गुड, कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब देखिए, अभी तक आपने सारा जवाब भी सही दिया और यानी आप समझ भी रहे, आप यह भी समझ गए कि ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो घटेगा और आप यह भी समझ गए कि ई कॉस थीटा वाला पास करेगा ऑब्वियसली। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, याद कीजिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहां का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, यहां का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, क्या आप अभी तुरंत सिखाए और पहले भी बताए हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाँ या ना, और यहां का एम्पलीट्यूड है ई नॉट कॉस थीटा, क्योंकि यही जो वेव ऐसे जाता है ना, तो उसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको ई नॉट बोलते हैं, और किसी भी वेव का जो मैक्सिमम वाला चीज है वही तो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, हाँ या ना। तो यहां का एम्पलीट्यूड क्या है, ई नॉट, और पास किया ई नॉट कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी इक्वल टू हो गया ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। चलिए इतना बात सब लोग समझ गए, इतना बात सब लोग समझ गए। अब हम एक मिनट में इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना भाइयों, इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, और जो भी चीज, जितना भी चीज आप लिख पाइएगा लिख लीजिएगा, हम जो भी लिख पाएंगे वो आप फटाफट लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो जितना देर भी ये चला, ये बंद भी हो गया, हम जिंदा हैं, आपके साथ हैं, कोई दिक्कत। चलिए ऊपर वाले का नाम लीजिए और कहीं तब तक में
लाइट ही आ जाए, कौन जानता है, हाँ या ना, तब तक में लाइट ही आ जाए, क्या कहते हैं, गलत कहते हैं, ऊपर वाले को बोलिए कि हां सर लाइट ही आ जाए। आप लोग को समझ में आया, एक बार बताइए, हमको भी हिम्मत मिलेगा कि मेरा स्टूडेंट सब इतना अच्छा है कि बिना लिखे भी प्रूफ समझता है, बिना लिखे भी प्रूफ समझता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं और बी हैप्पी। देखिए हम खुद ही इतने ज्यादा परेशान है ना, इतने ज्यादा परेशान है कि हम खुद दुखी हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं भाई अगर हम दुखी रहेंगे तो बेचारा मेरा बच्चा सबका क्या होगा। गौर से देखिए आपके सामने फोटो आ चुका है, गौर से देखिए आपके सामने फोटो आ चुका है, याद आया, ठीक है, यहां स्क्वायर होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए हम कर देते हैं, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक से पास कराया ऐसे, जब इसको थीटा एंगल घुमाया तो अगर यहां का इंटेंसिटी आई नॉट है, यहां का इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट है, तो यहां का इंटेंसिटी कितना हुआ, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात सबको समझ में आ गया, यही बात अभी समझाए थे, हां या ना, देखिए यही बात समझाए थे कि नहीं समझाए थे, जल्दी बोलिए, ठीक है, देखिए अनपोलराइज्ड को गुजारे, कटाक से गुजरा, यहां आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पेज में चलेंगे फटाक से, क्लियर, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करें, प्रकृति से युद्ध में प्रकृति ही जीतेगा, हम तो जीत नहीं सकते हैं, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम जीत जाएं, बात समझ गए, आइए इधर, जल्दी ध्यान से देखते जाइए और शुरू करते हैं मैलस लॉ, क्या शुरू करते हैं, मैलस लॉ, गौर से देखिए, गौर से देखिए, फास्ट, ये एक पोलराइजर बनाए और इसका जो इस ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस, इसको सब हिंदी इंग्लिश सारे बच्चे याद रखिएगा, इसका नाम है ट्रांसमिशन एक्सिस, क्या नाम है, ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलोंग वाला पास करेगा, कोई दिक्कत, चलिए, और यहां से अब लाइट आ रहा है, ठीक, मिट, यहां से लाइट आ रहा है, कोई दिक्कत, अब क्या होता है, ये आ रहा है अनपोलराइज्ड लाइट, क्या आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या गया, अनपोलराइज्ड लाइट, कोई कंफ्यूजन, अनपोलराइज्ड लाइट इससे पास किया तो अब यहां आके क्या हो जाएगा, यहां आके ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आपका क्या, पोलराइज्ड लाइट, कोई कंफ्यूजन, अब अगला जो इसमें लगाए वो थोड़ा सा घुमा के लगाए, कितना, थोड़ा सा थीटा एंगल घुमा के लगाए, वो आप देखिए ऐसे, बात समझ गए, तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे हुआ और इसका ऐसे है, तो ये जो एंगल हुआ थीटा, मतलब इसका एक का खड़ा था, एक का थोड़ा ऐसे, तो ये एंगल क्या दिखा दिया, थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलिए, अब हम आगे आते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां जब पहुंचेगा, अब इसका दो है तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर से देखिएगा, है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खड़ा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर, देखिए ब्लू, ये ग्रीन से बना रहे हैं, एक होगा इधर, थोड़ा सा मोटा बनाते, एक होगा इधर जिसका नाम होगा
ई कॉस थीटा, हाँ या ना? और एक होगा परपेंडिकुलर, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ई साइन थीटा, गौर से देखिए, एक हुआ ई कॉस थीटा, एक हुआ ई साइन थीटा। किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी बोलिए, क्लियर? ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, तो पास कौन वाला करेगा? पास कौन वाला करेगा? तो पास करेगा ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा वाला तो हो जाएगा कैंसल। तो इस साइड जो हमको मिलेगा, इस साइड जो हमको मिलेगा वो कौन वाला मिलेगा? ई कॉस थीटा वाला, कौन वाला? तो अगर इसका ई नॉट लिखते तो यहां पे आप ई नॉट देते, ई नॉट देते, इसको भी ई नॉट देते, ई नॉट कॉस थीटा। हम ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिए, इसका एम्पलीट्यूड कितना लिए? ई नॉट। अब हम जानते हैं, गौर से देखिए, अब हम जानते हैं, चूंकि ये इसको समझिए आई नॉट और इस साइड के इंटेंसिटी को समझिए आई, इसको क्या समझिए आई नॉट, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट बराबर के ई नॉट स्क्वायर, हां या ना? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड और यही इसका क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। आई नॉट इक्वल टू क्या लिख दिए? के ई नॉट स्क्वायर, इतना में कोई कंफ्यूजन? सही सही बोलिए, आई नॉट इक्वल टू क्या लिख दिए? यहां नहीं लिखते हैं, चलिए यहां लिख देते, यहीं पे सबसे अच्छा रहेगा। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट के ई नॉट स्क्वायर, आई नॉट इक्वल टू के ई नॉट स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, तो I इक्वल टू क्या होगा बोलिए? तो I इक्वल टू होगा K E नॉट cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी I इक्वल टू क्या होगा? K E नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, K E नॉट स्क्वायर के जगह पे I नॉट लिख सकते हैं, तो I बराबर हो गया I नॉट cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। ये क्या है? प्रूफ है किसका? मेलस लॉ का। ये किसका प्रूफ है? मेलस लॉ का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम 100% श्योर जब आप बिना कुछ लिखाए समझ रहे थे तब तो ये करने के बाद आप 100% समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर है। अब हम इसका क्या लिखेंगे? लैंग्वेज। तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, वो हम आपको फटाक से पहले करवा देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि जो हो सकता है वो कर लेते हैं। जल्दी लिख लीजिए इसको, जल्दी लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ठीक है, देखिए जो जो आपको सिखाया वही लिखा हुआ है। देखिए, जब किसी औद्युत प्रकाश को किसी ध्रुवक से गुजारा जाता है और उसके बाद उसे विश्लेषक से गुजारा जाता है तो इसकी तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच के कोण पर निर्भर करता है। कोण इधर उधर करेंगे तो इंटेंसिटी घटेगा बढ़ेगा, हाँ या ना? इंग्लिश वाले दोस्त प्लीज आज भर मेरा बात मान लो, अगर आप नहीं भी आगे पढ़ पाए तो फिर इसको लिख लोगे, अपने से लिख लोगे, नहीं तो हम अगले क्लास में आपको लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई उतना बड़ा बात नहीं होता है लिखवाना, ठीक है, एक्सिस के बीच का। और अब यदि ध्रुवक से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता आई नॉट हो और ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के बीच का कोण थीटा हो तो विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश होगी I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा, विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के क्या होती है? समानुपाती होती है। जल्दी इसको लिख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, जिसको भी लगता है कि वो लिख लेंगे। तो इतना हो गया, तब हम इसका एक ठो ग्राफ बता देते हैं आपको, जब आप लिख लीजिएगा, एक मिनट लगेगा, हम इसका ग्राफ बता देते हैं, ध्यान से देखिए। ये है आई और इधर है थीटा। जब जब दोनों का थीटा जीरो होगा, दोनों का थीटा जीरो होगा, तब तो
तब तो जो होगा इसका ये होगा मैक्सिमम आई नॉट। उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे घटते जाएगा, जैसे जैसे एंगल 90 आते आते तो यहां क्या हुआ पाई बाय टू, ये क्या था जीरो, तो 90 आते आते वो क्या हो गया जीरो, और फिर घुमा दीजिए, फिर पलटा दीजिए तो फिर से आई नॉट जाने लगेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला बात है, सोच के देखिए, है देखिए ऐसे था, इसको घुमा के 90 किए, खत्म हो गया, फिर उल्टा घुमा दीजिए तो फिर तो लाइन मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, हाँ या ना, सोच के देखिए, ऐसे था घुमाए 90 हो गया फंस गया, उसके बाद फिर उलट दीजिए तो फिर दोनों का खिड़की मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो ना भाई, क्लियर। इसका मतलब है कि फिर पाए पाए आते आते फिर से क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड थीटा, ग्राफ बिटवीन आई एंड थीटा, और किसका किसका मैलस साहब का, जल्दी लिख लीजिए। और आपको पता है ये वैसे भी कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ, थोड़ा सा ठीक से ग्राफ बना लीजिएगा, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए इतना हो गया, अब हम लिखना शुरू करते हैं, अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो पाया तो कोई भी बात नहीं है, लिख दीजिएगा मैलस लॉ, क्या मैलस लॉ, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर और मैलस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा चीज अब मेरा बच गया है, पोलराइड और निकोल प्रिज्म और पोलराइजर का, पोलराइड का यूज, ठीक है, बस इतना ही बात बचा हुआ है, वो किसी भी समय हम आपका कंप्लीट कर देंगे। तो ये चैप्टर समझिए अब समाप्त है, ठीक है। तो मैलस लॉ, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर, छुट्टी नहीं देंगे, हम बता रहे हैं आपको बहुत सारा चीज, अभी हम एक मॉक टेस्ट लेंगे, ये कटते ही हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, आपसे चीजें पूछेंगे, आप देखिएगा मेरी बात से सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा, छापाई तो कभी भी हो सकता है, आप मानते हैं कि नहीं, अभी बिना कुछ लिखे हुए हम आपको प्रूफ कर दिए थे, ठीक है। When an unpolarized light passes through a polarizer, then it passes through an analyzer, then intensity of emergent light depends upon angle between क्या angle between axis of transmission of polarizer and analyzer, ठीक है। If I not is the intensity before analyzer, then I not cos square theta will be the intensity after analyzer, where theta is the angle between axis of polarizer and analyzer, clear, लिख लीजिए ये भी आप लोग भी।
हो गया हाँ या ना? चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हम आपको दिख रहे हैं किसी भी तरह से? चलिए तो मेरे बात को, आवाज को सुनते जाइए, मेरी आवाज को सुनते जाइए और जवाब देते जाइए, मेरी आवाज को सुनते जाइए और जवाब देते जाइए। अनपोलराइज्ड लाइट में, अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एक्सिस में होता है? एक एक्सिस में कि बहुत सारे एक्सिस में, या एक डायरेक्शन में कि बहुत सारे डायरेक्शन में? जल्दी दीजिए जवाब। जल्दी, बहुत बढ़िया। और पोलराइज्ड लाइट में, जल्दी बोलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फास्ट पूछेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन पूछते जाएंगे, जल्दी बताइए। पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होता है कि एक से ज्यादा डायरेक्शन में? पोलराइज्ड लाइट में, अब पोलराइज्ड लाइट का जवाब देना है। पोलराइज्ड लाइट में कितने में होता है? एक से एक डायरेक्शन में या एक से ज्यादा? तो चलिए एक डायरेक्शन में, क्लियर है। अगला सवाल, पोलराइजर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर देता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है? पोलराइजर इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है कि रिफ्लेक्ट करता है? जल्दी, अगला सवाल है। पोलराइजर इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है कि रिफ्लेक्ट करता है? एब्जॉर्ब करता है कि रिफ्लेक्ट करता है? क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब बताइए, पोलराइजेशन कितने प्रकार का होता है? मेनली पोलराइजेशन कितने प्रकार का होता है? फास्ट बताइए, मेनली पोलराइजेशन कितने प्रकार का होता है? चलिए, वेरी गुड। पोलराइजेशन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल पोलराइजेशन और एक आर्टिफिशियल पोलराइजेशन। इतना बात सबको समझ में आ गया हाँ या ना? अच्छा, अगला, रिफ्लेक्शन के द्वारा जो पोलराइजेशन हुआ, किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा जो पोलराइजेशन हुआ वो नेचुरल हुआ कि आर्टिफिशियल? वो नेचुरल हुआ कि आर्टिफिशियल? जल्दी बताइए, रिफ्लेक्शन के कारण जो पोलराइजेशन हुआ, रिफ्लेक्शन के कारण, उसको आप नेचुरल में गिनिएगा कि आर्टिफिशियल में? जल्दी बोलिए, उसको नेचुरल में गिनिएगा कि आर्टिफिशियल में? उसको हम लोग गिनेंगे नेचुरल में। किसमें गिनेंगे? गिनेंगे नेचुरल में, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ध्यान से देखिए, ये वाला सवाल का जवाब दीजिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट गिरता है, तो जब वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंस होता है, किस पे? एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे जब वो इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे पूर्ण रूप से पोलराइज्ड होता है कि अंशतः? जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर गिरता है तो रिफ्लेक्टेड पूर्ण रूप से होता है कि अंशतः? फुल्ली पोलराइज्ड होता है कि पार्शियली पोलराइज्ड? तो आपका जवाब एकदम सही है, जवाब है फुल्ली पोलराइज्ड। बहुत बढ़िया, ये सब चीज आपको याद रखना है। अब हम एक और सवाल पूछते हैं,
अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ, क्या पूछेगा व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको जवाब देना है टेन आई पी, बोलिए टेन आई पी इक्वल टू म्यू, क्या जवाब देना है लिखिए सब लोग जो बोल रहे हैं। ब्रूस्टर्स लॉ अगर बोलने बोलेगा ना तो आपको बोलना है टेन आई पी इक्वल टू म्यू, टेन आई पी इक्वल टू म्यू, जहां की आई पी है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत, टेन आई पी इक्वल टू म्यू, वेरी गुड, इतना बात सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मेलस लॉ क्या है, जल्दी बोलिए मेलस लॉ क्या है, मेलस लॉ अगर बोलेगा एक मतलब उसका फॉर्मूला के रूप में देना, मेलस लॉ क्या है तो क्या लिखिएगा, मेलस लॉ मेलस लॉ में लिखना है, मेलस लॉ में लिखना है I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखना है I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, चलिए इतना हो गया। चलिए आगे की बात, एक और छोटी सी बात, आप टर्मलाइन क्रिस्टल जो है, टर्मलाइन क्रिस्टल जो है वो किस चीज का काम करता है, टर्मलाइन क्रिस्टल किस चीज का काम करता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी बताइए टर्मलाइन क्रिस्टल किस चीज का काम करता है, टर्मलाइन क्रिस्टल किस चीज का काम करता है, टर्मलाइन क्रिस्टल किस चीज का काम करता है, तो आपको जवाब देना है टर्मलाइन क्रिस्टल पोलराइजर का काम करता है, टर्मलाइन क्रिस्टल किस चीज का काम करता है, पोलराइजर का काम करता है, किस चीज का काम करता है, पोलराइजर का, कितने लोग दिए हैं जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये सब आप बातें, इतना बातें आप याद रखिएगा। अच्छा एक छोटा सा हाई लेवल का बात बताते हुए आज का क्लास खत्म करेंगे, एक छोटा सा हाई लेवल का बात बताते हुए खत्म करेंगे, अभी तक हम कितना का बात किए थे, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर, लेकिन आईआईटी जो है वह एक से ज्यादा एनालाइजर का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एक पोलराइजर लगा दिए, फिर एक एनालाइजर, फिर दूसरा एनालाइजर, फिर तीसरा एनालाइजर, और उस सबको अलग अलग एंगल पे लगा दिए, तो अब हम लोग जो इस पे क्वेश्चंस करेंगे उसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस उस लेवल के भी करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने आज मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, और नहीं है तो अब तो जरूर जग चुकी है, बात समझ रहे हैं, तो आप में पढ़ने की इच्छा जग चुकी है, और दोस्तों मैं सच्ची बताता हूं आप में बहुत काबिलियत है, परंतु आप थोड़ा इधर उधर पे ध्यान मत दें, और अभी हाल फिलहाल पता चला कि मेरा एक बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट थोड़ा प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हो गया, तो इस प्यार मोहब्बत वाले से आईएससी पास होने तक दूर रहें, प्लीज दूर रहें, जिंदगी पड़ी हुई है, समझ ही रहे होंगे, तो थोड़ा सा अभी कॉन्सेंट्रेट कर लें, तो आप प्यार मोहब्बत करके आईआईटी नीट नहीं निकलता है, फिर खाली आईएससी पास होता है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आज मेरे साथ आप जुड़े रहे, हमको बहुत अच्छा लगा, हम अब क्या बोलें, इतना अच्छा लगा कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एकदम दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा करें, बाय बाय, बहुत मजा आया क्लास में, समझ में आ गया ना सब कुछ, समझ में आ गया था ना सब कुछ, एक बार हाँ बोल दीजिए, समझ में आ गया था ना, बोलिए, ये साबित हो गया ना कि लाइट ना रहे, बोर्ड ना रहे, फिर भी मेरा बच्चा पढ़ लेगा
कुछ ना रहे फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे और आप पढ़ लीजिएगा, और इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं है। बोल रहे कि हम इतने खुश है कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय।